प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच 15 अक्टूबर को बीजेपी सीसी की बैठक होने जा रही है। बैठक में बचे हुए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। उधर 13 और 14 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठक बुलाई है। कांग्रेस दिल्ली में दो दिनों तक लगातार प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करेगी। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में मतदान के दिन का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही पार्टियों ने अपने चुनावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। खबर है कि बीजेपी भी 5 राज्यों की चुनाव की प्लानिंग पर काम कर रही है। 15 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में बचे हुए प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी अब तक अपने उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें कुल 136 लोगों को टिकट दिया गया है। अब 94 टिकट शेष बचे हैं। चौथी लिस्ट में सीएम शिवराज समेत 24 मंत्रियों को टिकट दिया है। सीएम शिवराज बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उधर 13 और 14 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठक बुलाई है। दिल्ली में दो दिन तक लगातार प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट पर मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पहली लिस्ट में 150 नाम जारी करने की तैयारी में है। बीजेपी के टिकट ऐलान के बाद कांग्रेस में मंथन तेज हो गया है। तेलंगाना में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बीजेपी ने पूरा दमखम झोंक दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और केसीआर सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आदिलाबाद में जन गर्जना सभा को संबोधित किया। ये बताओ ट्राइबल भाइयों बहनों, केसीआर सरकार ने आदिवासियों के लिए कुछ भी किया है क्या? उन्होंने एक ही काम किया, 10 साल में केटीआर को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए इसकी चिंता का काम किया है। इस दौरान उन्होंने राज्य की केसीआर सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि केसीआर सरकार की स्टीयरिंग ओवैसी के पास है, अब मजलिस के इशारे पर तेलंगाना नहीं चलेगा। कि मजलिस के इशारे पर तेलंगाना चले, जरा जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये मजलिस के इशारे पर चलने वाली सरकार है। आदिलाबाद वालों, इस चुनाव में मजलिस के इशारे पर चलने वाली इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। पटना के गांधी मैदान में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ओर से वंचित शोषित जागरण महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने सीएम नीतीश और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर जोरदार निशाना साधा। जीपीआर झारखंड से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार में भी पिछड़ों को सामाजिक न्याय नहीं मिला। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी महारैली का आयोजन किया गया, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वहाँ यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है इस रैली का? देखिए, आज़ादी के बाद जिन लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिस्सा नहीं मिला, जिनका शोषण हुआ, चाहे बिहार में कांग्रेस ने शोषण किया हो, चाहे नीतीश जी ने शोषण किया हो, चाहे लालू जी ने शोषण किया हो, तो जो उपेक्षित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनको हम समझा रहे हैं कि शिक्षा के लिए आप लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, नौकरी के लिए लड़ो, राजनीति में हिस्सेदारी के लिए लड़ो, तो उनको जगा रहे हैं। और धीरे धीरे आपने देखा कि आज बड़ी संख्या में लोगों में जागृति आई है। तो अब जाति आंकड़ा नीतीश जी ने पेश किया, 36% अत्यंत पिछड़ा है, वही लोग यहाँ जुटे थे, बड़ी संख्या में वही लोग थे। 17% मुसलमान हैं, 16% सामान्य वर्ग, 21% अनुसूचित जाति जनजाति। सामाजिक न्याय यही कहता है कि 8 बार नीतीश जी, मौका मिले तो लालू जी, मौका मिले तो फिर रावड़ी जी, यही है, यही सामाजिक न्याय है। लालू जी और नीतीश जी पे आप काफ़ी गर्म भी दिख रहे हैं, आखिर ऐसा क्या? ये सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं। कभी मुसलमान को 17% क्यों नहीं, वो तो वोट देता, उनको क्यों नहीं सीएम बनाए, हक बनता है कि नहीं बनता है? 36% सर्वाधिक पिछड़ा, उसका हक बनता है कि नहीं बनता है? 16% सामान्य वर्ग, उसका हक बनता है कि नहीं बनता है? 21% अनुसूचित जाति जनजाति, उसका हक बनता है कि नहीं बनता है? लूट कौन रहा है? यही लोग नहीं यहाँ लूट रहे हैं?
तो गर्म किस पे हो, जो नहीं लूट रहा उसको गर्म हमें। बिहार में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है क्योंकि 24 और 25 का इलेक्शन है, क्या यहाँ पर रणनीति आपकी होगी? हम 100% यहाँ जब पहलवान तैयार हैं अखाड़े में तो फिर बाजने के लिए तो फिर चुनाव तो होगा। 24 भी लड़ेंगे, 25 भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। कितनी सीटों पर 24 के लिए तैयारी होगी? अभी संगठन को धार दे रहे हैं। चलिए, तो ओम प्रकाश राजभर जी थे और साफ तौर पे इन्होंने इस बात को कहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनेंगे, साथ ही साथ बिहार में भी चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। निषेध कुमार, जी मीडिया, पटना। इसराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के